पुत्तन और बड़की जीजी की सताई ये चंपाकली और गुलाबचंद। हुई ट्रिप कैंसल, कैसे हुई वापसी, क्या होगा आगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। तो जी, कर लेते हैं अभी बात, आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी आप लिखना ना भूलना अपनी अपनी सजेशन। बहुत सारे यूट्यूबर पर अब बात होगी डेली ही, लेकिन आज मैं वॉइस ओवर लेकर आई हूँ। थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग और जल्दी से हेडफोन लगा लीजिए। बात हो रही है यहाँ पर ये कि पुत्र ने सजेशन मांगी है कि वो बीमार है और बीमारी की हालत में वो क्या ही कर सकती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं किया है कि इस बीमारी की हालत में, यानी कि टाइफॉइड की हालत में, तो भैया आपको क्या ही खाना पीना चाहिए, है ना। कुछ भी उसको, मतलब डॉक्टर की तरफ से ऐसी एहतियात बरतने को नहीं बोला गया। तो भैया तू हमें पहले तो रिपोर्ट ही चेक करवा, भैया वाकई में ही तुम्हें टाइफॉइड है या फिर वैसे ही तुमने ये सब चीज़ें गुमराह करने के लिए, और ये कहते हैं ना कि अपनी चंपा को और ये गुलाब को वापस बुलाने के लिए तुमने ये सारी बातें कर दी हैं या कह दी हैं। लेकिन नहीं, गुलाब तो तुम्हारे साथ ही गया था, उसके आने के बाद ही तो तुम्हारा चेकअप हुआ है। मतलब तुम खुद से इंडिपेंडेंट गर्ल जो है वो नहीं जा सकती थी, गर्ल ही हो ना अभी, वुमेन तो बनी ही नहीं, है ना। चंपा तो कहती कहती थक गई, भैया तुम एक औरत हो अब, है ना, एक बच्चे की माँ हो। जब मैं वुमेन बन चुकी हूँ शादी के बाद, तो तुम क्यों नहीं बनी हो? तो अच्छा ठीक है, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। लेकिन इसने सलाह मांगी है कि इसको डॉक्टर ने इतिहायत नहीं बताई, तो चल मैं तेरे को अब समझाती हूँ। मेरे को हर साल टाइफॉइड होता है, ठीक है, लेकिन जब किसी को टाइफॉइड होता है ना, उसको तो दही नहीं खाना होता है ना। अच्छा, दही नहीं खाना होता, और जब बुखार उतर जाता है उसके एक हफ्ते बाद भी दही नहीं खाना होता, नहीं तो वापस आ जाता है बुखार, है ना। टाइफाइड को ठीक करने का एक इलाज ये भी है कि 15 दिन के बाद, डॉक्टर कहते हैं ना 15 दिन, तो वो हम लोगों को 10 दिन तक एंटीबायोटिक देते हैं, 5 दिन वो नॉर्मल हम लोगों को देते हैं मेडिसन, उसके बाद 16वें दिन एक इंजेक्शन लगता है जो कि हर 2 साल बाद आपको लगवाना ज़रूरी होता है। जहाँ भूले, जहाँ कहते ना नज़र हटी वहीं दुर्घटना घटी, जहाँ पर आप भूले वहीं टाइफाइड वापस आ गया, ठीक है। लेकिन टाइफाइड का कहते हैं कि इसने शायद इतनी नॉलेज ली नहीं है, ये हम लोग, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे खुद है ना। और जी, यहाँ पर सबसे पहले तो यही बता देते हैं कि तुम्हें रसीले फल खाने हैं, तुम्हें खिचड़ी खानी है, तुम्हें 4 दिन तक ये जो बाजरे की फला फला ढींगनी, ये गेहूं की रोटी तुम मत खाइयो, तुम ब्रेड खाइयो। ब्रेड जो तुम कहते हो ना कि मुझे पता है अनहेल्दी है, भैया अनहेल्दी नहीं, हेल्दी है। पहले ज़माने में याद होगा तुम्हें, लोग कहते थे डबल रोटी खानी है ना, जो बीमार होता था उसको डबल रोटी दी जाती थी। अब तुम खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। अब ये तो थी बात इसलिए कि भैया पहले तो तुम्हें हमें दिखाना पड़ेगा ऑन कैमरा कि वाकई में ही तुम बीमार हो और तुम्हें ये टाइफाइड ही है कि यहाँ कुछ और है। भाई हमें इस चीज़ का नहीं पता, भी मैंने दाल रखी है, विसल की आवाज़ आप लोगों को सुनाई पड़ेगी क्योंकि मैं वाकई में ही बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं घर के कितने काम कर रही हूँ। लेकिन पुत्र ने कहा कि कैसे भी धीरे धीरे सहज सहज मुझे करना है। क्यों, क्या हुआ? चंपा ने मना कर दिया। चंपा जो है वो मना नहीं कर सकती। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, वो एक संस्कारी लड़की है, समझदार लड़की है, लेकिन पुत्र की हरकतें ही इस वजह से ऐसी हैं जिस वजह से चंपा ने डिस्टेंस बना लिया। क्योंकि वहाँ पर बड़की जिज्जी ने इतनी दूर बैठ के माता जी के कान भरे, माता जी ने डांट डपट लगाई गुलाबचंद की, और उनको लोगों को अपना ट्रिप बीच में ही छोड़ के भाग के आना पड़ा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि भैया ऐसी कौन सी मारा मारी थी, ऐसी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही थी जो इस भरी गर्मी में कि आप लोग ने ये ट्रिप प्लान कर लिया, उसको छोड़ गए घर पर, है ना। जब वो अपनी जिम्मेदारी समझती थी तो वीकेंड का वार खेलती थी, है ना, तुम लोगों के लिए। तो अब तुम लोगों को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, उस इंडिपेंडेंट को अकेले छोड़ गए, डिपेंडेंट बना गए उसको। अब ये है कि पुत्र अगर डॉक्टर के गई है, वहाँ डॉक्टर वाला सीन तो शूट हुआ, और ये भी हुआ कि जो पुत्र ने अपना इंश्योरेंस ले रखा है वो उसमें कवर हो जाएगा या नहीं, या फिर मैं ये बोलूँ कि वो टाइम निकल रहा था, वो कहते हैं ना वो ये सब चीज़ें करवानी ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर वो इंश्योरेंस वाले भी कहते हैं ना कि इसके बाद ये चेकअप नहीं होगा, ये वैलिड नहीं गिना जाएगा, शायद वो ही वाला सीन तो नहीं। अच्छा, ये इंश्योरेंस क्या ननू ने करवा रखी थी या खुद से तुमने करवाई है? कभी नॉलेज के लिए अपने व्यूअर्स को भी बता दिया करो जो तुम लोग बताते नहीं हो, है ना।
और उसके बाद जैसे ही ये घर आई है, थोड़ा राशन पानी भी, घर का शॉपिंग वॉपिंग करती हुई चली आई है, डायरेक्ट घर नहीं पहुंची है, और सीधी ही डिक्की ही दिखाई गई भी, डिक्की खोल के कैसे इसने सामान वामान उसमें से निकाला। लेकिन गुलाबचंद ने भी इतना ज़रूरी नहीं समझा कि वो उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा ऊपर रखा था। भैया इसको टाइफाइड है, टांगों का तो मैं बता सकती हूँ, वाकई में टांगे ही नहीं बहन, मैं तो कहती हूँ पूरा शरीर ही टूट रहा होता है, पर क्या ही करें। कहते ना कि एक माँ है जिसके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी है, वो ये सब चीज़ें कर ही लेती कैसे भी करके। मैं भी कर लेती थी, है ना, कर लेती हूँ अभी भी। लेकिन फ़िलहाल तो ये चीज़ भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ, 2 दिन तो भैया 3 दिन कम से कम बेड रेस्ट ही लेते हैं और सब काम भूल भाल जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें रेस्ट नहीं मिल सकता? तुम्हारा कहना कि जो मदर होती है ना उसमें इतनी पावर मिल जाती है, अरे वाह, इतनी पावर तुम्हें मिल गई तो तुम्हें नन्नू की मम्मी की पावर दिखाई ना दी, है ना, तो उस समय तुम्हें पावर नहीं थी। यही बातें मैं कहना चाह रही हूँ। और उधर जाहिला बेगम ने भी कम बैक कर लिया है, आप लोग भी ज़रा बता देखना, मतलब उसको नहीं देखना, मेरी बात सुनना आप उसने भी कम बैक किया है भैया, वो आवाज़ कुछ बदली बदली सी के साथ। ऐसा ही मेरे को एक मैसेज आया है मेरे पास कि डिंपल जी आवाज़ कुछ बदली बदली सी है। मैंने कहा अब टाइफाइड के बाद जो देखो जी तबीयत तबीयत तो वैसे ही बंदे की ठीक नहीं होती, आवाज़ तो बदली बदली लगेगी। अब दो दो करेक्टर जो निभाने पड़ रहे हैं तो क्या ही बोले उसके बारे में। लेकिन वैसे मैं सच्ची बताऊँ ना, जाहिला बेगम जो है ना वो अलग ही है, वो सच्ची भी है, एक लेडी ऐसी है जो जिसका नाम जाहिला बेगम है। लेकिन हम बात तो ये पुत्तन के ऊपर कर रहे थे ना, तो पुत्तन ने एक ऐसी स्क्रिप्ट, फेलियर वाली स्क्रिप्ट रेडी करी गई है ना। टाइफाइड जो है एक दिन में तो वहाँ नहीं गया था, मतलब कि भैया भाभी के यहाँ से जाने से पहले ही टाइफाइड था, अंदर बुखार था, बीमार थी, तो उन लोगों ने ट्रिप प्लान करा हुआ था, मम्मी के आने का इंतज़ार भी नहीं किया गया था। तो चलो ये तो अब बात वही है कि बच्चा भी तुम्हारे साथ होता है, सब है भैया, जब तुम खुद बीमार हो तो बच्चे को भी बीमार करोगे क्या? थोड़ा सा अलग अलग ही होकर थोड़ा सोना, ठीक है, एक पैरों की तरफ सो जाए, एक सर की तरफ सो जाए, जैसे भी आप लोग देख लेना, मैनेज करना, लेकिन बच्चे से थोड़ी दूरी बना के रखना, एक ही प्लेट में चखना मत, चखने लग जाना कि तुम भी वैसे उसी में से खा रही हो, बच्चे को भी खिला रही हो, है ना, बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन इम्यून सिस्टम उनका थोड़ा वीक होता है, ठीक है, वो जल्दी से ही बीमारियां जो हैं कैच कर लेते हैं। तो ये तो इतना ही बड़ी बात कर ली मैंने पुत्तन के ऊपर, बस पुत्तन अब तेरे ऊपर ज़्यादा बात नहीं करने वाली मैं। अब बात कर लेते हैं जूठी की। जूठी तुम इतनी दूर बैठे बैठे भी इतनी बड़ी गेम खेल रही हो, अभी कमेंट सेक्शन जो है भैया भाभी के ऑफ करवाना चाह रही हो, या फिर रील भी वो अपनी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तुम लोगों की वजह से, वो तो अपनी ज़िंदगी भी जी नहीं पा रहे, इंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि पुत्तन के दिल में वो उमंगें जो है ना, वो अपने पति के साथ वो सब चीज़ें करना चाह रही थी, और जो एक्चुअली में उनके साथ वो हो भी रहा था, है ना, उनकी लाइफ काफ़ी इंजॉयफुल थी, कलरफुल थी पुत्तन की जब वो नन्नू के साथ में थी। 9th मंथ स्टोरी सबने देखी है, ओके। लेकिन जूटी के साथ कभी भी मोटे ने सपोर्ट नहीं किया, मोटू ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। जूटी लाख कहती रही कि मोटू का फुल सपोर्ट है मुझे, मोटू कहने में क्या जाता है, फुल सपोर्ट है ना, कहने में कुछ नहीं जाता भैया, करके तो दिखाओ। जूठी तो अकेली अकेली सब मारे मारी घूमती रहती है, और जूठी अकेली अकेली ही सब जगह जाती है, इसलिए तो उसने हमेशा से ही क्या कहें, चाहे भाई बहन हो, अब उन लोगों को इसने बंधुआ मजदूर बनाया, अब मियाँ जो हैं वो भी एहसानमंद हो गई, भैया कैसे उतारेगा सब कोई, अपने अपने एहसान कैसे उतारेंगे, कितना एहसान कर दिया है जूठी ने सबके ऊपर, है ना। तो ये तो थी जूठी के एहसानों से भरी हुई कहानी, भरी हुई कहानी नहीं, जूठी के एहसानों के नीचे तले, अरे क्या बोल रही हूँ मैं, जूठी के एहसानों तले दबे हुए कुछ लाचार लोगों की स्टोरी, है ना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चंपा बेचारी पर। अब चंपा कहती मैं बेचारी नहीं हूँ डिंपल दीदी, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। भैया तू इंडिपेंडेंट नहीं है, तू अभी भी डिपेंडेंट ही है। तू इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि तुम्हें वो अर्निंग सोर्स मिला है कि जहाँ से वो जूठी के कहते हैं ना हेड ऑफिस से निकला हुआ है, ठीक है, तुम्हारी अपनी कोई ब्रांच नहीं है, तुम्हें अब अपनी ब्रांच बनानी पड़ेगी, तुम्हें खुद का एक चैनल जो है ना वो ओपन करना पड़ेगा, जहाँ पर तुम कुकिंग करती नज़र आओ, तुम मस्तियाँ करती नज़र आओ, कुछ अल्हड़पने में कुछ बातें बातें करती नज़र आओ, क्योंकि तुम एक मस्त मौला और मस्त रहने वाली लड़की हो, इसलिए तुम अपना वैसा वाला एक चैनल ओपन कर लो,
वहाँ से फिर बहना जो तुम्हें अर्निंग होगी तो तुम उसमें से मतलब कुछ भी खर्चा करना, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा और वो डायरेक्ट तुम्हारे बैंक के खाते में आएगी, है ना। फिलहाल तो तुम लोग डिपेंडेड ही हो किसके ऊपर, झूठे अंका के ऊपर। झूठे अंका ने खूब लताड़ लगवाई है अपनी मदर इंडिया से, और मदर इंडिया को भी थोड़ी सी अब शर्म आनी चाहिए कि आपने बहुरिया को लताड़ लगाई तो लगाई क्यों, प्यार से समझा देते या कुछ भी कह देते। और पुत्तन भी अकेली नहीं थी, पुत्तन भी तो अकेली थी, पुत्तन के कज़न कहाँ चले गए, ठीक है, सब कोई तो हैं अड़ोस में पड़ोस में, सब लोग तो हैं उसको देख रेख के लिए। और पुत्तन तो खुद ही इंडिपेंडेंट नारी है, ओला कैब करके इधर से उधर जा सकते, तो वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सकती थी, जा सकती थी वो अपनी कज़न को लेकर जिसका नाम है माँ, लास्ट में माँ आगे में अल्फ़ाबेट है ए, है ना, उसके साथ चली जाती ना, जिसके साथ वो पहले पहले भी घूमती थी शादी से पहले। तो अब लोग आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इन्हीं करेक्टर के नाम के साथ साथ आप लोग लिख डालिए अपनी अपनी सजेशन। अभी कल से जी एपिसोड आने शुरू होंगे, सबसे ज़्यादा तो चांदनी ब्यूटी जोन की क्लास लगने वाली है, ठीक है। कोई माँ अपने बच्चों के लिए इतना गलत और गंदा नहीं सोच सकती जितना इस समय वो सोच के थंबनेल और टाइटल लगा रही है ना, वो चीज़ें उसकी गलत हैं। जो चीज़ें गलत हैं उसके लिए बोला जाएगा, बात करी जाएगी, बहुत दिन से उसको इग्नोर कर रहे थे। और यहाँ पर ये दुनिया ने क्या आंतक मचा रखा भैया, निधि की दुनिया के आंतक मचा रखा, उसने भी बड़ी ऐसे मतलब क्या ही बोले, उसके लिए भी आ रहा है कि बात करिए आप, लेकिन ठीक है करेंगे बात। सबसे पहले तो बात मैं करना चाहूँगी रमा के ऊपर, है ना, अयान मोम, उसको भी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना है ना, उसको भी थोड़ा सा मोटिवेट करना है ना, मोटिवेट कहते हैं या फिर क्या कहते हैं भैया, उसकी डिलीवरी के दिन पास आ रहे हैं, थोड़ा सी हौसला अफजाई करनी पड़ती है ना तो वो चीज़ें है ना, अब समझ जाएं। फिर आती है पाखी फैमिली, भैया जिन जिन के व्यूज़ जोन जा रहे हैं सबके सब की बीबियां जो हैं वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, ये प्रेगनेंसी के ऊपर इतना इतना गेम क्यों खेला जा रहा है। सबसे बड़े यूट्यूबर तो भैया वो जो निखिल हैं, है ना, मुंबई कर निखिल, अब उनकी वाइफ भी सेकेंड टाइम प्रेगनेंट हो गई हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें किसी को शेयर नहीं करी थी। 6 मंथ अभी प्रेगनेंसी है शायद उनकी, तो कल ही उन्होंने अनाउंस किया है, तो मुझे लगा कि चलिए अब की सबकी बीबियाँ जो हैं वो प्रेगनेंट हो गई हैं, अब सबके पास भर भर के कंटेंट है, अब उन पे बात की जाएगी। और फिर जी कंटेंट जल्दी ही अब चंपा के पास भी आ जाएगा, और कंटेंट जो है शायद अब झूठी भी खेलेगी अब कंटेंट, क्योंकि ये वाला कंटेंट पुत्तन तो खेल नहीं सकती, इसलिए ये वाली स्क्रिप्ट उसको तो मिलने से रही, है ना। अब आप लोग बता देना कि ये स्क्रिप्ट कौन सी किसके पास होनी चाहिए, और पुत्तन के लिए तो यही कहना चाहेंगे ये भैया हद हो गई, आज भी तुम बहन के ही गुणगान गाती नजर आती हो, तो यही कहेंगे कि उधर मदर इंडिया को कि अगर इतना ही ये सब था तो अभी गुलाबचंद बेचारा अपनी ज़िंदगी में यही टाइम तो है एंजॉय करने का, कब एंजॉय करेंगे वो, है ना। एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके कंधों पर छोड़कर चले गए, वो बेचारी चंपा कली अभी जुम्मा 4 दिन हुए नहीं उसको आपके घर में आए हुए, है ना, तो उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी घर की छोड़कर चले गए, सारे त्यौहार भी उसके स्पॉइल कर दिए, सब चीज़ें जो उसकी थी ऐसे मतलब आप लोगों ने स्पॉइल करी, जो कि बहुत ही गलत है। और वहाँ पर झूठी क्या कहती, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, भैया सबसे बड़ी तिकड़म ही तेरे दिमाग की है, मोटू ने भी साथ छोड़ रखा है वहाँ पर, तो मोटू भी अलग थलग पड़ा है, वो तो कहता मैं सुबह गया रात को आया, है ना, तू रह इन बुजुर्गों में रहकर इंजॉय कर, पुरानी फिल्मों को देख इंजॉय कर, है ना कुछ। और देखो जी देखो मदर इंडिया और बेस्ट फ्रेंड भी कौन सी एपिसोड देखती हैं, भैया बेस्ट फ्रेंड देखे तो समझ में आता है, उसकी तो बहुरिया जो है वो सब की सब दोनों की दोनों पुरानी हो चुकी हैं, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सुनता नहीं है बेस्ट फ्रेंड की, लेकिन मदर इंडिया को इसलिए दिखाई जा रही हैं पुरानी फिल्में सास बहू की कहानियाँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहू नई नई आई है, तो नई नई बहू का स्वागत ये अब वापसी करके माताजी कैसे करेंगी, तो वो जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑन कैमरा हम साथ साथ हैं, ऑफ कैमरा तो वो अपना देख मैं अपना देखूँ, हम अपना अपना कंटेंट जो है वो ढूंढते हुए नज़र आएंगे। अब आप लोग अपनी सजेशन जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दें, बताना मुझे कि कैसा मेरा लगा आज का वीडियो। कल तो बैक टू बैक आप लोगों को एपिसोड मिलेंगे, और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं भी ये वाली बातें कहा करूँगी, प्लीज़ आप लोग लाइक तो करो करो, और हो सके
शेयर करने वाला तो वैसे है नहीं कुछ भी मेरे एपिसोड में तो शेयर तो मत ही करना किसी को, है ना। अगर किसी को लगता है कि हाँ भैया उनको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो ठीक है, वो अप्रिशिएट कर सकते हैं हमें और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी कर सकते हैं, और लाइक वगैरह तो आप लोग देख ही लेना, ठीक है। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।